Hello, my dear students. Welcome to your computer class. It's Unit 2, more on Windows 7. Windows 7 is a operating system. An operating system is the most important software for a computer system. Without it, a computer cannot operate. Okay, so computer जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता. तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि डॉस, लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस. इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो है हमारा विंडोज़. ओके, विंडोज़ का बहुत सारा वर्सन है जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 10. ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं विंडोज़ 7 के बारे में. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GUI. एक ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स ग्राफिक्स सोर्सेस, आइकॉन्स एंड बटन्स टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर कमांड देने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. वो क्या करता है, कुछ ग्राफिक्स देता है जैसे कि आइकॉन्स और बटन्स. ओके, विंडोज 7 जो रिलीज हुआ था 2009 में, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे इस चैप्टर में. वो क्या करता है, कुछ स्टार्ट मेन्यूज, डेस्कटॉप, आइकॉन्स, टेक्स्ट बार, वो जो विंडोज 7 में है उसमें हम उसको ऑलरेडी प्रीवियस जो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो इस पर हम फाइल एंड फोल्डर के ऊपर ज़्यादा कुछ जानेंगे. तो फाइल एंड फोल्डर, एज यू नो, यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम सारे चीज़ रख सकते हैं. हम डिफरेंट फाइल और फोल्डर को उनके नाम के अनुसार हम सेव करते हैं. जो भी हमें जब चाहिए वो हमें ढूंढने में वो ईजी होगा. ओके, तो ए फोल्डर में कंटेन वन और मोर फाइल्स. एक फोल्डर का, फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है, वन फाइल हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है. इट मे ऑल्सो कंटेन फोल्डर्स विथ फाइल्स इन देम. ओके, ए फोल्डर प्रेजेंट इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड ए सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर जो भी सारे फोल्डर होता है उसको बोलते हैं सब फोल्डर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर फोल्डर होगा उसका नाम होगा स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के अंदर जो भी सारे गेम्स आता है जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वो जो फोल्डर होगा उसको हम बोलेंगे सब फोल्डर. ओके, तो कंटेंट फोल्डर्स सच एज डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा ये जो सारे फोल्डर है. ओके, दिस फोल्डर्स आर क्रिएटेड बाय विंडोज. विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसके द्वारा ऑलरेडी वो क्रिएटेड होके हमारे कंप्यूटर में होता है, जो है डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस. ओके, वी विल डिस्कस नाउ फाइल आइकन्स एंड फाइल नेम एक्सटेंशन. ओके, जो फाइल आइकन्स है, ए फाइल आइकॉन डिस्प्लेज द नेम ऑफ द फाइल एंड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू ओपन दैट फाइल. ओके, तो आइकन से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा प्रोग्राम चाहिए उसको, उस फाइल को ओपन करने के लिए वो हमें इंडिकेट कर देगा. ओके, तो इन एडिशन, ए फाइल नेम एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विथ ईच फाइल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 लेटर्स. ओके, जो 3 or 4 लेटर के द्वारा हमें वो बता देगा वो कौन सा टाइप का फाइल है. ओके, लेट्स डिस्कस सम टाइप ऑफ फाइल्स. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख रहे हो वर्ड प्रोसेसिंग फाइल. ओके, जो वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है उसका प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, तो फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx. उसका आइकन यहाँ पे आप देख रहे हो W लिखा कर यहाँ पे आइकन से. देन
फाइल टाइप यहाँ पे है प्रेजेंटेशन फाइल। जब आपको प्रेजेंटेशन कोई करना है तो उसका प्रोग्राम नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसका फाइल नेम एक्सटेंशन है डॉट PPTX। ओके PPTX उसका आइकन यहाँ पे है। स्प्रेडशीट फाइल, ओके स्प्रेडशीट फाइल जो है उसका प्रोग्राम नेम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसका एक्सटेंशन जो फाइल नेम एक्सटेंशन है डॉट XLSX। उसका आइकन राइट साइड में दिया हुआ है, आप देख लेना। ओके देन डेटाबेस फाइल, डेटाबेस फाइल उसका प्रोग्राम नेम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो उसका जो फाइल नेम एक्सटेंशन है वो है डॉट ACCDB। उसका आइकन यहाँ पे है। देन टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल जो है उसका प्रोग्राम नेम है नोटपैड। उसका फाइल नेम एक्सटेंशन है डॉट TXT। उसका आइकन राइट साइड पे दिया हुआ है, उसको याद कर लेना देख कर। ओके देन पिक्चर फाइल जो है उसका प्रोग्राम नेम है विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। ओके उसका फाइल नेम एक्सटेंशन है JPEG। ओके तो उसका आइकन भी वहाँ पे है। देन साउंड फाइल, साउंड फाइल का प्रोग्राम नेम है विंडोज मीडिया प्लेयर। जिसको जो फाइल नेम एक्सटेंशन है वो है डॉट MP3। उसका आइकन राइट साइड पे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।